हेलो फ्रेंड्स, डिज्नी हॉटस्टार पर आई नई सीरीज़ दया एक बांग्लादेशी वेब सीरीज़ तकदीर की रीमेक है। नई वेब सीरीज़ दया, जिसमें मेन किरदार दया ही हैं, यानी जेडी चक्रवर्ती, जिन्हें आपने राम गोपाल वर्मा की सत्या में देखा होगा, अपनी दमदार एक्टिंग के साथ वापसी कर रहे हैं। ये सीरीज़ एक्चुअली तो तेलुगु में है, परंतु इसे बंगाली, तमिल, हिंदी, मराठी, मलयालम, कन्नड़ा में डब किया गया है। कहानी शुरू होती है दया से, जो एक वैन ड्राइवर हैं और जिन्हें सुनाई कम देता है, और वो हेयरिंग एड्स पहनते हैं। वो वैन के फ्रिज में मछलियों को सप्लाई करते हैं और 2 दिन से घर पे भी नहीं गए हैं। उनकी पत्नी अली वालू प्रेग्नेंट है। एक दिन उनकी वैन में एक लाश रख दी जाती है और ये लाश फिर किस तरह उन्हें इधर उधर घुमाती है, लाश किसकी है, कितने रेपुटेड लोग इसके पीछे हैं, किसने मर्डर किया, क्यों किया, फिर दया का क्या हुआ, इसके लिए आपको वेब सीरीज़ देखनी होगी दया। दया का किरदार जेडी चक्रवर्ती ने काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। कभी सॉफ्ट हार्टेड, कभी डेंजर मूड, कभी एंग्री मैन, सो मैनी शेड इन हिज करेक्टर। कविता यानी राम्या नंबीसन ने अच्छी एक्टिंग की है, एक लविंग माँ और एक स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्ट जो अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। रिपोर्टर शबाना का रोल में विष्णु प्रिया ने कविता का अच्छा से साथ दिया है। जोश रवि ने दया का ट्रू फ्रेंड बन के दिखाया है। ईशा रिब्बा ने अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें स्क्रीन टाइम कम मिलता है। बबलू पृथ्वीराज ने पॉलिटिशियन की एक्टिंग दमदार तरीके से निभाई है। इस सीरीज़ में एक करेक्टर है जो बोलता नहीं है, मतलब वो गूंगे हैं, परंतु उन्होंने एक्टिंग अच्छी की है। साथ में मयंक प्रकाश पुलिस वाले के किरदार में ठीक है। पवन सिद्धनी का डायरेक्शन अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ठीक है, कैमरा वर्क बहुत अच्छा है और लोकेशन की चॉइस तो अच्छी ही है, एक रियलिस्टिक अप्रोच देती है। इस सीरीज़ में बहुत सी कमियां हैं, जैसे कि स्टोरी का एंड या कहें कि लास्ट एपिसोड अपने साथ हजारों सवाल छोड़ जाता है। हर करेक्टर की एक स्टोरी है और कोई भी स्टोरी जो है वो पूरी नहीं है। दूसरा, दया की पत्नी को ये तो बताया है कि वो बहुत ख़तरनाक है, परंतु उन्हें पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया। और लास्ट में आपको ये स्टोरी ना अधूरी सी लगती है, बहुत सारे सवाल मन में छोड़ती है, शायद अगले सीज़न के लिए। इस सीरीज़ के 4-5 एपिसोड आपकी ग्रिप को बना कर रखते हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। कई सारे ट्विस्ट पे आते हैं, परंतु 6 एपिसोड और 7th एपिसोड में दिल दहलाने वाले सीन्स हैं, जिनसे आपका मन जो है वो विचलित हो सकता है। इतनी क्रूरता दिखानी ज़रूरी थी क्या? ओवरऑल सीरीज़ में एक्टिंग अच्छी है, कमी स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट में है। साथ ही ढेर सारे सवाल छोड़ते हुए दया के दूसरे सीज़न में क्या होगा, आप इंतज़ार करें।